खुदा के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, तवज्जो कीजिए मफजूल मोमिनीन कराम। करूँगा खिदमत अक्दस में पेश जिक्र आनाम, सब अहले बैत पे मिलके पढ़ें दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिक फरज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम। आपके हर दिल अज़ीज़ हदायत टेलीविजन पर गदाए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन आपके इस वक्त लाइव जर्नी टू करबला यानी करबला का सफ़र बराए रास्त प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। आज के इस अजीम प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको इस वक्त नजफ में मौजूद हमारा जो क्रियो है उससे बराह रास्त बात करवाएंगे। आप यहाँ अपनी टेलीफोन लाइंस पे हमारे साथ रब्ता करेंगे और हम आपकी दुआएं और आपके नाम को बराह रास्त करबला में पेश करेंगे और वहाँ पे हमारे स्टाफ के जो अरकान मौजूद हैं वो आपके लिए करबला मौला में इमाम हुसैन के रोज़े के पास आपके लिए दुआएं करेंगे। आज मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में इस खूबसूरत और अजीम प्रोग्राम के लिए जो हज़रत इमाम हुसैन के चहलम के हवाले से हमने बर्पा किया है उस पे मैं आपको और तमाम कौम हिजाजी को कौम हिजाज को पुरसा पेश करता हूँ इमाम हुसैन के चहलम के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब वक़ार बुखारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, शायर के बेटे हैं और शायर के भाई हैं, नहायत खुश असलूबी के साथ नात गो हैं, नाते पढ़ते हैं और हज़रत इमाम हुसैन के लिए कसीदा गोई करते हैं। मेरे दूसरे आज के मेहमान, आपसे इनका तारुफ मुझसे ज़्यादा बेहतर है, महफिल मौद्दत की जान हैं, हज़रत टेलीविजन के नहायत ही खूबसूरत मेज़बान हैं, मोहतरम जनाब शाहिद बुखारी साहब, मैनचेस्टर का शान और मैनचेस्टर की मान हैं कि इनके बगैर कोई ऐसी महफिल नहीं जो इमाम के नाम पर हो और उसमें ये शामिल ना हो और उसको सजा ना दें। आज भी इस महफिल इस चहलम में अपना पुरसा पेश करने के लिए और आज हमारी तरफ से ये पुरसा पेश करने के लिए इस वक्त ये यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कंट्रोल रूम में मौजूद हैं मोहतरम जनाब आदर रऊफ साहब और मोहम्मद रज़ा साहब, जो आज इस पुरसा में हमारे साथ पीछे यानी बैक में कैमरों के पीछे और कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो हमारा बहुत ही मेहनत के साथ लिंक बराह रास्त करबला में हमारे मौजूद अहबाब के साथ बराह रास्त करेंगे। और इस वक्त करबला के अंदर हमारे मेज़बान जो हमारे मॉर्निंग के हदायत सुबह हदायत के नहायत मेज़बान हैं अली मौसी साहब मौजूद हैं वहाँ पर और हुसैन बाकर साहब मौजूद हैं और हमारे टेक्निकल डायरेक्टर वहाँ पर इस तमाम प्रोग्राम को वहाँ से जो होल्ड कर रहे हैं असद रज़ा साहब हैं और वो वहाँ से अपनी जाफिशानी के साथ खिदमात हमारे सुपुर्द किए हुए हैं। इस वक्त वो तकरीबन बताएंगे कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, मगर हमारा ख्याल है कि वो इमाम बैत इमाम अली के करीब तिल्ला ज़ैनबिया के मुकाम के करीब मौजूद हैं। और आज का ये प्रोग्राम नाज़रीन व नाज़रात मोमिनीन व मोमिनात हमने आपके लिए सजाया है कि आप इसमें शामिल हों और जो चहलम पर इमाम हुसैन के चहलम पर करबला नहीं जा सका और चाहता है कि उसकी मनाजात व दुआएँ और उसका गिरिया व आहो बका मौला कबूल करें तो वो टेलीफोन करके बराह रास्त यहाँ से करबला में मौजूद हमारे मेज़बानों के हवाले से वहाँ अपनी दुआ करवा सकते हैं। नाज़रीन नाज़रात मोमिनीन व मोमिनात, अजीब सदमा है और अजीब मौका है कि दुनिया का सबसे अजीम शख्स और जिसको हम सबसे अजीम पैगंबर कहते हैं और ख़त्मुल मुरसलीन भी कहते हैं और पैगंबर दो जहां भी कहते हैं और रहमतुल आलमीन भी कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम सब मिलकर उनको पुरसा पेश करते हैं कि उन्होंने जिस बच्चे को जिन अहबाब को जिन नवासों को अपने शानों पर बिठाया और जिन नवासों को उन्होंने नमाज में भी अपने पुश्त पर बिठाया और दुनिया को बताया कि देखो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, जिसने हुसैन को सताया उसने मुझे सताया, जिसने इनको दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, जिसने इनको तकलीफ़ दी उन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, मगर ये किसी गैर कौम ने नहीं, ये किसी दूसरों ने नहीं, ये किसी हमलावर ने नहीं, ये किसी दुश्मन इस्लाम ने नहीं, मगर
क्या करें कि कुछ ही अरसा बाद रसूल की रहलत के बाद ऐसे हालात हुए कि कर्बला के मैदान में तने तनहा दश्त करबला में उसी हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर उसको ख़ानदान समेत ज़िबह कर दिया गया। और फिर यही इस जुल्म की इंतहा नहीं होती, उसी हुसैन को और उसके बाकी रह जाने वाले बच्चों को जंजीरों में जकड़कर रस्सियों में बांधकर, इस तरह के बच्चे और बड़े सब एक ही जंजीर एक ही रस्सी में बंधे थे, उनको किस तरह कर्बला से शाम तक पैदल और ऊँटनियों पर सवार करके ले जाया गया कि आज अगर हम शाम से कर्बला जाएं तो रास्ते में जो नन्ही नन्ही कब्रें नज़र आएंगी, ये वो बच्चे हैं 350 के करीब या इस लगभग इतनी तादाद में छोटी छोटी कब्रें जो इन ऊँटों के कमर से अपनी माओ के ना पकड़ने की वजह से, कोई सहारा ना होने की वजह से थके या सो गए और गिरे और फिर पलट के उनको किसी ने नहीं उठाया और वो वही दश्त में तड़प तड़प कर उन्होंने जान दे दी। ये कर्बला सिर्फ कर्बला ही में नहीं, कर्बला से शाम तक ये कर्बला बनी और फिर कर्बला शाम तक नहीं बनी, बाजार शाम में बनी जहाँ पर बीबी को नंगे सर फिराया गया। तो नाज़रीन, हम आज का पहला पुरसा उसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में उनके अजीम नवासे के चहलम के हवाले से पेश करने के लिए जाते हैं और आपसे इल्तमास है कि अभी टेलीफोन नंबर आपके सामने आ जाएगा और हमारा वहाँ पे रابطہ भी हो जाएगा। तो जो कुछ आप अपनी इल्तजाएँ अपनी दुआएँ हमारे ज़रिए आगे मौला को पहुँचाना चाहते हों, हमारी खुशकिस्मती है, ये मेरे साथ मेरे साथियों की वकार बुखारी की, ये शायद बुखारी की और मुझ खाकसार की ये खुशकिस्मती है कि मौला ने आज हमें एक ऐसी मेज़बानी के लिए चुना है कि शायद दूसरे किसी ऐसे प्रोग्राम में ऐसी मेज़बानी किसी के लिए पास ना होगी कि हम आधे कहते हैं कि आधे कर्बला में हैं, हमारा आधा स्टाफ कर्बला में और हम आधे लोग यहाँ पर हैं और हम अगर वहाँ नहीं जा सके तो मौला ने हमारे लिए बंदोबस्त किया कि हम उनके रोज़े के और हम उनके रोज़े पर होने वाली तमाम दुआओं को और हम उनके रोज़े पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ ख़ुद देख सकें, वहाँ अपना गिरिया पहुँचा सकें, बल्कि हम आप सबका भी गिरिया वहाँ पहुँचा सकें। मगर इससे पहले कि हम अपना गिरिया वहाँ पहुँचाएं, मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब सैयद वक़ार बुखारी साहब से कि वो अपना गिरिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पेश करें। शुक्रिया जनाब बहुत बहुत। मैं पेश करूँगा कलाम जो आप ही का लिखा हुआ है, आपकी मेहरबानी कि आपने इतना अच्छा कलाम लिखा, और पेश करूँगा बीबी सकीना की खिदमत में। अगर एक मिनट की मुझे इजाज़त दें तो हमें टेलीफोन कॉल ले लें, उसके बाद जब क्योंकि आप पढ़ेंगे फिर हम कोई कॉल ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मकसूद फातिमा, बर्मिंघम से बात कर रही हूँ जी। मकसूद, मैं दुआ कराना चाह रही हूँ मौलाना अपने अली जान साहब से, मेरी दुआ वहाँ कर्बला में पहुँचा दे ताकि सेहत तंदुरुस्ती हो जी इंशाल्लाह ताला। अभी थोड़ी देर बाद हमारा जो भी वहाँ पे आलम दीन या जो भी हमारी टीम के अरकान वहाँ पे मौजूद हैं उनसे रब्ता होगा। तो हमने आपका नाम बर्मिंघम से लिख लिया है, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ के लिए इंशाल्लाह हम वहाँ पे ज़रूर अभी थोड़ी देर में रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह किबला। अब हम अभी थोड़ी देर काले नहीं लेंगे ताकि हम अपना पुरसा इब्तदा कर लें और हमारा टेलीफोन लिंक भी लंदन से कर्बला से हो जाए इंशाल्लाह ताला, फिर आपकी काले लेते हैं किबला जी। ना बहुत बहुत शुक्रिया, सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजहुम। इससे पहले जी मैं कलाम शुरू करूँ, मेरे पास भी एक रिक्वेस्ट है जनाब सैयद मुश्ताक जाफरी जो बहनोई हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, वो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनकी सेहत और सलामती के लिए काफ़ी बीमार हैं, उनके लिए आप ज़रूर दुआ करें। ज़रूर, और भी जितने बीमार हैं। जो सकीना तेरे कानों से लहू जारी है, ये मुसलमानों की इस्लाम से गद्दारी है, ये मुसलमानों की इस्लाम से गद्दारी है,
देख ओ शिमर लई बाल सकी ना है अभी नन्हे रुख सार है और हाथ तेरा भारी है नन्हे रुख सार है और हाथ तेरा भारी है चचा अब्बास नहीं चाहिए कुछ लौटाओ चचा अब्बास नहीं चाहिए कुछ लौटाओ आपकी लाडली पे जुल्म सितम जारी है आपकी लाडली पे जुल्म सितम जारी है हाय बाबा तेरे सीने पे मैं कैसे पहुंचूं हाय बाबा तेरे सीने पे मैं कैसे पहुंचूं तीर इतने हैं के आने में भी दुश्वारी है तीर इतने हैं के आने में भी दुश्वारी है फुफी अम्मा नहीं अब चाहिए पानी हमको फुफी अम्मा नहीं अब चाहिए पानी हमको आंसू पीने के लिए जिंदगी अब सारी है आंसू पीने के लिए जिंदगी अब सारी है आपकी लाडली पे जुल्म सितम जारी है اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل بے شک یہ ذکر تھا حضرت امام حسین کی اس ننھی بچی کا کہ جس نے تماچے بھی کھائے اور جس کا کرتا بھی جلا اور جس کی بالیاں بھی نوچی ہم کیسے اپنے اس عظیم رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن کہ جب हमारे दामन पे या इस कौम के दामन पे हम ये तो नहीं कह सकते हमारे दामन पे मगर बहसियत मुसलमान इस कौम के दामन पे उन्हीं के नवासों का लहू और उन्हीं की नवासियों के अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब कहाँ से वालेकुम सलाम कैसे ठीक है आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ये दुआ के लिए उनसे बात करनी थी जरा जी अकमल साहब फरमाइए जी जी फरमाइए कौन साहब कहाँ से मैं लंदन से बोल रहा हूँ ये रफाकत अली रफाकत अली साहब अभी थोड़ी देर में हमारा रابطہ हो रहा है करबला में तो मैंने आपका नाम लिख लिया है इंशाल्लाह ताला हम आपका नाम और आपकी दुआ आप सेहत सलामती के लिए या किस बस मेरे साथ कोई प्रॉपर्टी का मसला मैं हक पे वो किसी ने कब्जा कर लिया वो छोड़ नहीं रहा जी तो इसके लिए मैंने दुआ करानी थी अपने लिए
जी अभी थोड़ी देर में आप सुनिएगा कि इंशाल्लाह जो ही हमारा अभी 5-10 मिनट में रब्ता होने वाला है। हम आपका नाम बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया रफाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं शब्बीर जैदी बोल रहा हूँ बेल्जियम से। जी शब्बीर जैदी साहब, देखिए साल आया और गुजर गया, मुहर्रम खत्म हो गया, चेहलुम आ गया। आज के दिन जी जी मैं इमाम जमाना की खिदमत में बरसी चंद बंद के तौर पर पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए, दुरूद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिन फरजहुम। मक्तल के आस पास ये बीबियों की थी फुगां, ज़ैनब जबीन लैत पे रखे करती थी बयां। ऐ मेरे करबलाई बरादर हसन की जान, हमशीर तीन दिन से है तुम्हारी मेहमान। अल्लाह मेरी बात भी पूछी ना आपने, जिंदा की वारदात भी पूछी ना आपने। भैया मैं दास्तान अलम क्या करूं बयां, क्यों मर गई ना आह ये हमशीर खस्ता जान। टूटा मुसीबतों का गरीबों पर आसमां, लूटी गई असीर हुई सारी बीबियां। खेमे जले जलील हुई नंग सर फिरी, ऊंटों पर कैदियों की तरह दर बदर फिरी। सर नंग बिन्त फातिमा बाजार में गई, बेमखनो मजलिस बेमखनतो आह असरार में गई। इब्ने ज़ियाद शूम के दरबार में गई, बस में यजीद फाजिर बदकार में गई। आंखों से ज़ालिम पानी शर देखते रहे, तश्ते तला में आपका सर देखती रही। भैया तुम तेरे फिराक में थी नींद जा बहन, मुद्दत के बाद आके मिले हो शहे जमन। दिन रात याद करती थी बहन ये खस्तन, कुर्बान सर बुरी तक ये कुछ तय महन। मुस्तर बहन के दिल को तसली तो दीजिए, ना जाए कुछ तो हाल बयान अपना कीजिए। हजरत की कब्र हिल गई जैनब के बहन से, आकर कहा बशीर ने अपने हुसैन से। शहजादे जा पलब है फुकी शोर और शैन से, चलिए उनको कब्र शहे मशरकैन से। आबिद ने पूछा क्यों फूफी अम्मा कबूल है, वो बोली इख्तियार है क्या हाँ कबूल है। ऐ करबलाए हजरत दिलगीर अलविदा, ऐ कत्ल गाहे हजरत शब्बीर अलविदा। ऐ कब्र साहिब तथीर अलविदा, लो भाई जान जाती है हमशीर अलविदा। क्या बेनसीब है ये नवासी रसूल की, जिसकी मुजावरी भी न तुमने कबूल की। ऐ करबला के सैयद सरवार सरदार अलविदा, नूरे निगाह अहमद मुख्तार अलविदा। हम बेकसों के काफिला सालार अलविदा, दुखिया बहन के मोनिस गमखार अलविदा। तड़पा रहा बदन को ये दर्द फिराक है, भैया लहक को छोड़ना ज़ैनब को शाख है। कब से तुम्हें पुकार रही हूँ मैं बस्तन, है जवाब भी नहीं देते शहे उमम। भैया गले लगाओ तो जाऊं सुए वतन, आई निदा सधारो खुदा हाफिज है बहन। आई निदा सधारो खुदा हाफिज है बहन, सुगरा को मेरी सिम से तुम प्यार कीजियो। होगा सवाब कातिरे बीमार कीजियो। परवरदिगार आलम डॉक्टर मोहम्मद व आले मोहम्मद के हमारी इस इबादतदारी को कबूल फरमाए, हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे, हमारे बीमारों को सफाए कुली अता फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान करें। डॉक्टर मोहम्मद व आले मोहम्मद के इमाम जमाना का जल जरूर फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? मेरी एक गुजारिश है जो भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पे आए कि अपना मुख्तसर रखें, बहुत सारे लोग हैं टेलीफोन लाइन पे, तो अगर आपने पुरसा भी देना तो मुख्तसर। जी कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद लाड़ काने। जी लाइव हैं आप भाई साहब, कौन कहाँ से? लाड़ काने से सर, पाकिस्तान लाड़ काना। जनाब हजूर क्या हाल है आपके, आज के हवाले से क्या दुआ करवाना चाहेंगे? अल्लाह आपको
खुश रखे बस मौला के आप शान में रोजे में ये हमारा पर सलाम पहुँचाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे को और भी तरक्की देगा बहुत हामिद जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? मैं भी मुजफ्फराबाद से बोल रही हूँ, दुआ करानी है घर के लिए, खैरियत के लिए। जी क्या नाम है आपका? मुमताज जी। जी मुमताज साहब, आप घर में बीमारियां भी हैं। जी जी, तो दुआ करनी है जी, भरोसा भी देना है। जी मुमताज साहब, अभी आप थोड़ी देर बाद आप टेलीविजन के पास ही रहिएगा, थोड़ी देर बाद हम आपका नाम लेके दुआ कराएंगे। उस वक्त आप अपने दिल में आंखें बंद करके गिरिया कीजिएगा और अपने हक में जब वहाँ पे आपके लिए दुआ की जाए तो आमीन जरूर कहिएगा। बहुत शुक्रिया। आमीन जी, आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, किबला कौन कहाँ से? अकमल सैयद अस्कर। जी अकमल साहब, अभी मैं आप जैसी आवाज़ आई थी अभी वो नाम ले रहा था। जी जी जनाब, मैं आपको और आज अरबईन के तमाम मुसलमानों को ताज़ियत पेश करता हूँ। बेशक बेशक, इमाम ज़माना की खिदमत में भी ताज़ियत पेश करते हुए। जी बेशक, चंद बंद पेश करने के जिसमे ये दश्ते करबला है क़यामत की सरजमीन, हाय सोए हैं जिसकी खाक पे जहरा के माजबी। बेशक बेशक, वो एक तरफ जो गर्द उठी है कहीं कहीं। बेशक, राहे दमिश्क से कोई आता है बिल यकीन। बेशक बेशक, जाहिर है कुछ हमारियां कुछ राहवार हैं, छोटे से काफले के निशान आशकार हैं। वो छट गया गुबार, वो जाहिर हुआ बशीर, मालूम हो रहे हैं मदीने के राहगीर। वो एक जवां है सर को झुकाए बशक्ल पीर, जैसे मुद्दत से जैसे तो सलासिल में है असीर। एक एक नफ्स में हौसलाए मशरकैन है, मजलूमियत की राह में ये भी हुसैन है। इस वक्त ये गरीब है कौनैन का इमाम, याद है इसी का लकब और अली है नाम, जिसने कमाल जब्त से तोड़ा गरूर शाम, और कांटों पे जो चला वो यही है खजिश्ता गाम। इसकी नजर में सबसे जुदा कारजार है खामोश इनकलाब का परवरदिगार। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, इस वक्त हम लाइव मिल गए हैं वहाँ पर अपना करबला में, तो मैं आपको काटना चाह रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। जी 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 जनाब किबला, अब हम जो वो ये सब टेलीफोन लाइंस पे हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अब थोड़ी देर के लिए जो हमारे पास नाम आ रहे हैं, हम वो नाम करबला देना चाह रहे हैं। ओवर टू करबला। बहुत शुक्रिया अली शान भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली मुस्वी और मेरे साथ को होस्ट हैं जनाब हुसैन नकवी साहब। हम आपको इस वक्त सहन अकीला से यानी तिल्ले ज़ैनबिया से, और हमारे साथ में हरम हबीब अब्दुल्ला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, लाइव ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर एक ऐसा समा है जो कि ना काबिले बयान है, जिसके लिए मैं समझता हूँ हुसैन भाई अल्फाज हमारे पास नहीं है बताने के लिए कि करबला, जिन लोगों ने देखी है उनको पता है कि करबला में कोई ये समझ लेंगे इतनी बड़ी जगह नहीं है ये, मगर यहाँ पर इस वक्त तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 करोड़ तक लोग हो चुके हैं और बाकी करबला के अतराफ तक पैक हो चुके हैं, और यहाँ पर सीधा समझने के रास्ता चलने को भी अब जगह नहीं बची। मगर आज़ादारान का जोश ऐसा है, खरोश ऐसा है, जिसकी आवाज़ अब हमारे बैकग्राउंड के ऊपर सुन रहे होंगे। और हमने कल भी इसी जगह से प्रोग्राम किया और उसमें हमने लाइव कॉल भी रखी थी, मगर बहुत सारे मोमिनीन कोशिश करते रहे, हमारे पास कॉल आती भी थी आपकी, मगर हम उसको अटेंड करते थे वो कट जाती थी। तो चूँकि यहाँ पर जिस हिसाब से यूज़र की कैपेसिटी है, मगर यहाँ पर आकर लोगों ने 3 करोड़ लोगों में से मतलब लाखों लोगों ने जो है वो नई सिम्स बाई की हैं, तो उनका जो प्रेशर है, हमें यहाँ पर लोकल कॉल जो है वो मिलाने में मुश्किल हो रही है, तो इसलिए जो कि इंटरनेशनल कॉल थे वो हमें लेने के लिए बहुत मसला हो रहा है। जो भी आप कॉल करना चाहें, मौला को सलाम करना चाहें, आप प्रोग्राम में बिल्कुल आ सकते हैं। खुदा नियतों का इल्म जानता है, नियत उसको मालूम होती है। आप कॉल करें और अली शान भाई के पास नाम लिखवा दें, जो जो नाम मेरे पास मुझे अभी मौसूल हुए हैं मैं उनके नाम जो है वो बयान कर देता हूं कि हमारे साथ कल प्रोग्राम में बुशरा मिस बुशरा सरगोदा से थी,
अशरफ अब्बास सियालकोट से थे, इन्होंने अपने वालिद के लिए दुआ करवाई है और मौला की खिदमत में इन तमाम लोगों ने सलाम कहा है। अब्दुल हमीद साहब कराची से, उनको हार्ट पेशेंट हैं हसन भाई, और नुसरत बाकर मस्कत से, हाजी अहमद बहरीन से वालदैन की मगफरत के लिए, इफ्तिखार शब्बीर अली पाकिस्तान से, मोमिना सलाम और नियाज, मिसेज अली लंदन से बेटों के लिए, फिजा डेविसबरी खावन की मगफरत के लिए, हमजा अली और मुसर्रत साहिबा, गुलाम हुसैन बंगश, सैयद मुमताज हुसैन गिलानी, मोहम्मद अनवर बार्सिलोना से, अली न्यूटन फैमिली से, शहबाज कराची वालदा, मिसेज अली अल्ताफ जाफरी फैमिली, गुलाम हुसैन मैनचेस्टर हज ज़ियारत के लिए मुतमन्नी है, आशिक हुसैन आशिक शेख एड ब्राय के मोमिन, एडम ब्राय के मोमिन, राशिद हुसैन मस्कत बीमार हैं, फातिमा ब्रेडफर्ड, और नाजीन मैं और नाम आपके सामने लूँ, सैयद असद जैदी पाकिस्तान। अभी ये इन नामों का सिलसिला जो है वो नाजीन जारी रहेगा, उनके नामों की एक तवील फहरिस्त है। और हुसैन भाई ये बताइए कि सुबह से हम अज़ादारी में मशगूल हैं और तमाम चीज़ें देख रहे हैं, अभी जब हम जिन रास्तों से होते हुए आए, मुश्किल से वो रास्ते 5 मिनट के भी नहीं थे, मगर हमें यहाँ पहुँचने में तकरीबन घंटे से ऊपर लग गया। बेशक रास्ते में जो मनाजिर आपने देखे, जो कैफियत देखी, मैं चाहूँगा वो आप अपनी ज़बान से बयान करें। भाई कैफियत वो है कि जो नाकाबिले बयान है, जैसे कि आपने अभी फरमाया, जितने लोग इधर की तरफ आ रहे हैं उतने ही वापस जा रहे हैं, फिर उतने ही उधर से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम हरम के अंदर मौजूद हैं। ये हालत जो हरम के अंदर होती है जब आप जहरी को जाते हैं और धक्का लगता है, वो होता है वही हालत वहाँ पे, नौजवान हैं बूढ़े हैं, दस्ते के दस्ते मातम करते हुए चले आ रहे हैं वहाँ से। ये पीछे ख्याम हुसैनी है, इस तरफ मेरी पुष्ट पर हरम इमाम हुसैन इस्लाम, इधर ये है मेरी निगाहों में तो सबको मंजर घूम रहा है जो योम आशूर रहा होगा, वो मकाम है जहाँ शहजादी खड़ी थी और निगाह कर रही थी नीचे की तरफ, और ये सारे के सारे लोग उस चीज़ को जहन में रख के आ रहे हैं, हर एक की आंखें अशबार हैं, चले आ रहे हैं, मातम करते हैं, बूढ़े बच्चे ख्वातीन मर्द औरत, यानी कोई, और यहाँ पे कोई रंग और मिल्लत का कोई फ़र्क नहीं है, हर नस्ल हर कौम के लोग मौजूद हैं। मुझे जो शमलबाजी का शेर याद आ रहा है कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हाथों से, और ये वही नज़र आ रहा है। और अभी मैं किसी इलाके से हम बात कर रहे थे, हम देखा कि हम और वो जो रसूलुल्लाह की हदीस थी, जब हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, जब आपको खबर मिली, जिब्रील ने आके खबर दी कि तुम्हारे हुसैन को शहीद कर जाएगा, तो आप रोने लगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खुदा एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके बुजुर्ग तुम्हारे बुजुर्गों का और बच्चे बच्चों का जवान जवान, वो चीज़ मुझे अपनी आंखों में नजर आ रही है, इतना खुश नसीब हूँ कि वो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। रसूलुल्लाह की हदीस हमारी आंखों के सामने इंप्लीमेंट होती नजर आती है, देखिएगा क्या हालत है। एक चीज हुसैन भाई हम और भी देख रहे हैं, हमने कल भी इसको किया मुकर्रर, आज भी हम इसको जो है वो इस जुमले को तकरार करेंगे ताकि उसका उसको और तबलीग किया जा सके कि जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने जब दरबार में खुतबा दिया तो यजीद मलून से आपने अपने खुतबे के अंदर एक जुमला इरशाद फरमाया था कि तू हमारे पैगाम को नशर होने से नहीं रोक सकता। उस वक्त नाज़रीन नशरियात का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त नशरियात कौन सा नहीं था, उसकी समझ में भी नहीं आई होगी कि ये क्या फरमा रही है, क्या तुम्हारे पैगाम को नशर होने से फैलने से फलने से फूलने से नहीं। पहले से नहीं रो सकते, मुख्तलिफ ज़राओं के जरिए से, मिंबर के जरिए से, मीडिया के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से, रेडियो के जरिए से, सोशल नेटवर्क के जरिए से, दुनिया जहान के जरिए से जो फिदाकार हैं, जो उनकी कौम है, जो उनके चाहने वाले, जिसके हाथ में जो वसाइल हैं, वो उसको बरूएकार लाते हुए इस पैगाम को नशर कर रहा है। ये एक बहुत लतीफ जो नुक्ता था हुसैन भाई, यही आप देखिए कि यजीद के जमाने में क्या था कि भाई इनको खामोश कर दो, गर्दन काट दो, मामला खत्म हो गया, मामला खत्म नहीं हुआ, वहाँ से मामला शुरू हुआ। अब आप देखिए कि इस हद तक पहुँचा हुआ है कि मैं खौफजदा हो रहा हूँ कि आने वाले सालों में क्या होगा, कि कहाँ ये लोग समाएंगे। यानी मैं पहले दफा मैं पांचवी दफा आया हूँ, पहली दफा आया तो जनाब
1920 मिलियन, उसके बाद 23-24 मिलियन, 26 मिलियन, इस दफा 30 मिलियन तक की, 30 मिलियन तक की खबर है कि आए हुए हैं लोग और हैं कि चलते चले आ रहे हैं। इस पर मुझे बड़ी खूबसूरत हदीस याद आ रही है, आपने जिस खौफ का इजहार किया, यकीनन एक इंसानी अकल इस चीज में उजागर हो जाती है। ये नहीं था कि नहीं, यानी कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि बच्चे रोडों पर लेटे हुए हैं, फुटपाथों पर बिल्कुल कंबल बांटे जा रहे हैं। वेल मैनेज तो किया है उन्होंने कि वो और क्या कर सकते हैं, होटल्स की जगह खत्म हो चुकी है, घरों की कैपेसिटी तमाम हो चुकी है और लोग, बॉर्डर खुल रहा है ईरान का, बार बार हजारों के रेले अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? यकीन वो भी मौला के जाहिर हैं और वो इसी तरह से वो बैठना चाहते हैं कि भाई हमको एक ब्लैंकेट दे दो। मैं बात काटता हूँ, अभी आते हुए मैं रस्ते में सोच रहा था, जब हम गुजर के आए थे पैसेज में से, औरतें बच्चे सब, जो मैंने सोचा था अगर मैं शिया ना होता और ये इमाम हुसैन का वक्त ना होता तो क्या मैं इतने धक्के खा कर यहाँ पे आता, यहाँ लेटता बैठता? और यही एक बात है जो बता रही कि ये मोहब्बत है इमाम हुसैन की, के बावजूद इसके धक्के खा रहे हैं, पसीज रहे हैं, नीचे से पानी आ रहा है, शबनम में पड़े हुए हैं, बच्चे से बड़े खाते पीते लोग हैं, लोग हैं, इंसान किसको अच्छा लगता है कि अपना घर बार छोड़ के आए और यहाँ पे धक्के खाए और सुबह शाम चक्कर लग रहे हैं? अरे क्या बात है, मोहब्बत इमाम हुसैन की, क्या खुदा ने मोहब्बत हमारे दिलों में डाली। हम बड़े खुश नसीब हैं, अब मैं समझता हूँ बहुत खुश नसीब है कि हमको ये सादत नसीब हुई है, मतलब ठीक है, एक दफ़ा देख लिया, दो दफ़ा देख लिया, ठीक है भाई, ठीक है इमाम हुसैन थे, हम फातिहा पढ़ते करते, जैसे कि हमारे बरादरान इस्लाम जो दूसरे कहते हैं कि भाई 1400 साल हो गया बस करो, अब उनको नहीं पता, मैंने कहा अब तो शुरू हो रहा है। वो उस फलसफे को भी समझते हैं कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा यहाँ से जाना शुरू हुई, मैं और कुछ नाम हमारे पास नाज़रीन और आ गए हैं, मैं उनको भी ऐड कर दूँ फिर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हमारे साथ जो नाम आए हैं इसमें सैयद असद जैदी पाकिस्तान से, बराए वालिद सैद के लिए उन्होंने कहा है, और एक है हुर्रत आपका सलाम मौला अभी अब अब्दुल्ला की बारगाह में पहुंचा दिया, हमारी जो अमानत आपने हमारे जिम्मे लगाई थी हमने उसको एज इट इज़ जो है वो आपके इमाम के सुपुर्द कर दिया, आपने नियत की वो आपकी नियतों का हाल बेहतर जानते हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह जिसकी जो हाजात हैं वो परवरदिगार की बारगाह में इमाम हुसैन सलाम के तबस्सुल से ज़रूर बेज़रूर कबूल होंगी। मैं बात कर रहा था हुसैन भाई के जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो मिशन है, जैसे आपने कहा ना लोग धक्के खा रहे हैं, चल रहे हैं, वो समझ नहीं पाते, दूसरे लोग नहीं समझ पाते, मगर जहाँ पर जो ये मकतब आशुराई मकतब है, ये मकतब इसका एक खत मुईन है, जो लोग इस जानते हैं वो ये धक्के खाना भी पसंद करते हैं, ओस और शबनम में लेटना भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अजर व सवाब क्या है। भाई बिल्कुल सही, मैं अगर होता मेरे बच्चे होते मैं इसका एक दफ़ा ले आया बस काफ़ी है, लेकिन जैसा आपने कहा कि मुस्तकिल और बातों से हमने बात की है, हर साल वो आते हैं और जहाँ आपने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आपने जिक्र किया, एक जिंदा जागती मिसाल आज हमें मिली, वो साहबजादी, वो लड़की नौजवान खातून जो प्रेस टीवी की रिपोर्टर है, मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों ये पेशा अख्तियार किया, आप वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उसका कहना क्या था? उसने कहा कि मैंने हज़रत ज़ैनब से सीखा कि दरबार में पहली जर्नलिस्ट वो थी, खड़ी हुई दरबार में और चैलेंज किया और पैगाम को आगे पहुंचाया। ये जो खातून है हमारे, यानी हमारे नौजवान तबका जो है इस पैगाम को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर रहा है, असल में कौमों का मुस्तकबिल सही स्पिरिट में आ गया, असल में कौमों का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में होता है, और जैसे आप कई दिन से इस बात को दोहरा रहे हैं, मैं इसके ऊपर बहुत फोकस किए हुआ हूँ, आई रखे हुआ हूँ, और यकीनन के नौजवान तबका बहुत आगे है, बहुत आगे, और यानी और ये बड़ी खुशनसीबी की अलामत होती है कि नौजवान किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं और उसको लेके चल रहे हैं, तो यानी यकीनन वो चीज़ बहुत खुले पलेगी। यहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चों से लेके, हमने कुछ वीडियोस यहाँ से हमने दिखाई, हमने यहाँ से ट्रांसमिशन दी थी, इसमें छोटी छोटी बच्चियाँ बिल्कुल कुछ औरतों का इस्तकबाल, जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके साथ जो औरतें थी, तो वो उन औरतों को उनको बताया गया होगा कि
बेटा आपने औरतों के पास जाना है तो वो जाती नहीं, और उनको चाय पे उनको खाने पे आमादा करती थी कि आप जो मस्ती कर रही हैं, आप पैदल चल रही हैं, तो आप हमारे साथ खाना खा लें या कुछ नहीं चाय पी लें, पानी पी लें, उनकी खिदमत के लिए खड़ी थी। जहाँ हम बचपन से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं, तो नौजवानी और शबाब का आलम तो इंसान की उन तमाम फिक्रों का शबाब हुआ करता है। खाली इंसान की जिस्मानी और उम्र का शबाब नहीं है, उसकी फिक्र का भी शबाब होना चाहिए, और फिर उसको उस शबाब के साथ उस तजर्बे के साथ बुढ़ापे में जाना चाहिए, जहाँ पर अक्ल कामिल हो जाए, जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे कहेंगे नहीं बूढ़े की राय को अफजलियत है, फौकियत दो, चूँकि उसका एक्सपीरियंस, उसका पूरा तजर्बा जिंदगी का, उसके नौजवान की बात पर उसकी बात को तरजीह दो। तो हम तो अगर इस तरह से हम लेकर जाएं और इस तरह से जिंदगी को आगाज अपने बच्चों का कराया जाए, उनकी तरबियत की जाए, तो फिर ये मकतब, ये आशुराई कौम हमारे सामने आती है जिसके पीछे पूरा मकतब है, पूरा एक सिलसिला है। कोई क्यों धक्के खाएगा, जैसे आपने कहा ना, एक कंबल लेके एक आदमी रात भर बैठा हुआ है और वो बस उसके आंसू बह रहे हैं, शब चहलुम है, बाज लोग जो है वो ज्यारतें पढ़ रहे हैं, बाज लोग गिरियत कर रहे हैं, बाज लोग बातें कर रहे हैं, कुछ ग्रुप बनाए हुए उन्होंने, वो जानते हैं कि एक तो यूं भी शहीद जिंदा होता है ना, कि जो अबा शहदा हो, जो सैयद शहदा हो, मतलब जो जवानान जन्नत का सरदार हो, जरूरी नहीं है कि वो उस वक्त उनको अपने आप को हरम से ही करीब करें तो वो सुने, वो उनकी ज़ियारत को आए हुए हैं, वो अगर किसी गली कोने में भी उनको जगह मिल गई है तो वो वहाँ से इमाम हुसैन सलाम के साथ अपने रूहानी इर्तबात कायम रखे हुए हैं। मुझे ईमान हमारा है कि शहीद जिंदा हैं और वो सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और मुझे आज इमाम हुसैन की सदा याद आ रही, हलमे नासरीन यलसोना, ये आवाज़ है, ये आवाज़ है, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और ऐसे लिबास पहने हैं बाज लड़के के जैसे फुटबॉल खेलने वाला हो, इधर उधर का, आप कहेंगे ये इसको मजहब के, लेकिन वो हमसे ज्यादा मजहबी है, इसलिए कि इस माहौल के अंदर पल बढ़ के भी वो 35 साल जो है वो आज़ादारी से रोका गया है, इसमें दो जनरेशन बड़ी हो जाती हैं, एक कंप्लीट और एक तकरीबन नौजवान, उनको इन तमाम मरासिम से नाशना रखा गया, घोट के रखा गया। फिर भी मैं समझता हूँ, खुदा की कसम ये मौजज़ा है, ये उन पाक बाज पाक दामन माओं के दूध का असर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उस दूध का असर है, उस तरबियत का असर है, उस तरबियत का असर है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये खून में सरायत कर गई, रूह में हमारी सरायत कर गई, हमारी रूह में सरायत करती जा रही है, और आप उसका मंजर खुद देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे थे उस तरफ, इधर से मातमी जा रहे हैं, मातम करते हुए उधर से मातमी निकल रहे हैं जाते हुए, कोई मिसाल ऐसी मुझे किसी और जगह नजर नहीं आई। बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि इमाम हुसैन सलाम जब रोज़े आशूरा खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने यजीदियों से बाज़ जगहों पे बाज़ गुफ्तगू की है और उनको नसीहत की है, उनका तस्किया करने की कोशिश की है, बाज़ जगहों पर उन्होंने माल हराम का भी जिक्र किया, मौला ने कहा कि इसकी क्या तासीर हुआ करती है, हमारे पेट, कहा कि तुम माल से भरे भरे में से तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। एक जगह पर आपने जो है वो नाज़रीन हमारे पास जो है वो कुछ नाम आ गए और जो है वो लिस्ट आ गई है जो और लोगों ने हमारे जिम्मे ड्यूटी लगाई है कि हम आपके सलाम को, आपकी दुआओं को एज इट इज आपके इमाम की खिदमत में पेश कर दें, दो पेश करते हैं। मौला आपको सलाम कहते हैं, आपको सलाम कहते हैं, कहती हैं मुसर्रत साहिबा, गुलाम हुसैन बख्श, सैयद मुमताज़ हुसैन साहब, मोहम्मद नवाज अली, जनाब अली साहब शहनाज कराची से, मिसेज अली, अल्ताफ जाफरी, गुलाम हुसैन मैनचेस्टर से, आशिक शेख, राशिद हुसैन और फातिमा ब्रेडफर्ड से, ये मज़ीद लोग जो है वो नाज़रीन अभी ऐड हुए थे, हमारे पास लिस्ट आई थी, आपकी जो लाइव कॉल्स हैं वो रिसीव की जा रही हैं, हम आलिशान भाई रिसीव कर रहे हैं और वो नाम लिखे जाएंगे, यकीनन जैसे ही वो लिस्ट हमारे पास पहुंचेगी हम फौरन उसको बिल्कुल अमानत की तरह लेते हुए पहुंचा देंगे। और ये हमें जो है वो असद भाई ने मज़ीद कुछ नाम दिए हैं, ये हैं जनाब आसिया लियाकत अली लंदन से, बच्चों के लिए, खावन के लिए और अपने मरहूमीन के लिए, खुर्रम वही साहब हैं, वालदा और वालिद की सेहत के लिए, खुदा आपके वालदा और वालदा को सेहत दे, और इमाम की बारगाह में इन तमाम दुआओं को पहुंचा रहे हैं। इमरान हैदर नकवी साहब कैंसर के मरीज हैं, इनकी मुकम्मल सेहत याबी के लिए, और सलमा बेगम इल्तिमास से दुआ कह रहे हैं। मजीद नाम हमारे साथ जो है वो ऐड हो रहे हैं और जैसे जैसे होते रहेंगे हम उनको आपके इमाम की खिदमत में
पहुंचाते रहेंगे। पीछे ये नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम उनको दोबारा से बताते चलें कि हम इस वक्त सहन अकीला में मौजूद हैं, करबला मौला से, करबला मुकद्दस से। हमारी पुश्त के ऊपर जो है वो एक जानिब पे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और एक जानिब पे तिल्ले ज़ैनबिया है, जहाँ से कि शहजादी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते हुए 70 कदम के फासलों से देखा था। बड़ी गज़ब की जगह है, बड़ी गिरिए की जगह है, बड़ी मसाइब की जगह है। करबला को इसीलिए वतन ना बताने का हुक्म दिया गया कि आओ ज़ियारत करो और चले जाओ। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन इसके ऊपर गुफ्तगू भी जारी रहेगी। इमाम के कलाम के ऊपर बात करेंगे कि इमाम ने किस तरह का जो है वो हमको ख़त दिया, उनके जो आखिरी लम्हात का जो खिताब था उन्होंने उसके अंदर क्या फरमाया, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे मुझे और हुसैन भाई। अभी फ़िलहाल जो है वो हम आपको जो है वो हम ओवरव्यू करेंगे अली शान भाई की तरफ। हम वहाँ पर अपने नाम वगैरह लिखवाते रहें, जो लोग भी मौला को सलाम भेजना चाहते हैं वो जस्ट एक कॉल करें और अली शान भाई को अपना नाम लिखवा दें, वो हमें लिस्ट भेज देंगे, हम आपके सामने जो है वो आपके तमाम नामों को इमाम की खिदमत में इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पर नाम हम ले देंगे, अपनी ड्यूटी पूरी कर देंगे। तो फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक पर और अली शान भाई की तरफ, उसके बाद थोड़ी देर बाद अभी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।